चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं 250 तक, यानी कि 250 क्वेश्चन हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक, तो याद रखना, इससे जितने भी लेक्चर बनेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, वो आपको जनरल साइंस की सूची में सभी लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं 251 क्वेश्चन पर। तो याद रखना, अल्पकालिक एक वर्षीय वह पौधे जिनका जीवन चक्र 6 से 10 सप्ताह में पूरा हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है, अल्पकालिक एक वर्षीय पौधे वह होते हैं जो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। तो याद रखना, डी ऑप्शन सही है, 6 से 10 सप्ताह में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन रहेगा 252, शकरकंद में क्या रूपांतरण होता है? तो याद रखना, जड़, शकरकंद जड़ का रूपांतरण, मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम एवं शकरकंद का खाने योग्य भाग जड़ होता है। अदरक, हल्दी, और अरवी, प्याज, आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। ठीक है, याद रखना। 53 क्वेश्चन, 253, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है, वह कहलाता है। तो याद रखना, अधिपादप, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है, अधिपादप कहलाता है। 54 क्वेश्चन, 254, आरोहण मूल पाई जाती है। तो याद रखना, पान में, आरोहण मूल पान में ही पाई जाती है, बरगद में स्तंभ मूल पाया जाता है और पौधे को सहायता प्रदान करता है। 55 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से आवूर्ण पोषी बीज होता है? तो याद रखना, मटर। 56, बीजों का अंकुरण जब भी जल बल जब भी फल के अंदर ही होते हैं कहलाता है। तो याद रखना, वीवी वीवी पेरी, जब बीज फल के अंदर अंदर में अंकुरित होते हैं तब ऐसे अंकुरण को वीवी पेरी कहते हैं। जैसे नारियल, वैसा अंकुरण जिसमें बीज पत्र जमीन के अंदर में रह जाता है, उद्भूमिक अंकुरण कहलाता है, जैसे गेहूं धान। ठीक, बात करते हैं 57 क्वेश्चन, जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं कहलाते हैं। तो याद रखना, मोनोकार्पिक, बी ऑप्शन सही, वे पादप जो जीवन में एक बार पुष्प धारण करते हैं मोनोकार्पिक कहलाते हैं, वे पादप जो जीवन में कई बार पुष्प धारण करते हैं पॉलीकार्पिक कहलाते हैं, पत्तियों में नहीं होते हैं। तो याद रखना, लेंटिसेल, पत्तियों में लेंटिसेल नहीं पाया जाता है। पौधे के वायवीय भागों में जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह क्रिया पत्ती के निम्न सतह और उपस्थित रंध्रों द्वारा होता है। तरह हमारा 59, रबड़ क्षीर वाहिका किस में मिलती है? तो याद रखना, कॉर्टेक्स। 60, जड़ में पास जड़ों के निकलने का स्थान है? तो याद रखना, परिरंभ। 61, मेंडल अपने प्रयोग में सफल रहे हैं? तो याद रखना, उपयुक्त, उन्होंने एक समय में लक्षण का भी समय किया, सही है, उन्होंने निरीक्षण को पूरा ब्यौरा रखा, उन्होंने F3 का अध्ययन किया। मेंडल अपने प्रयोग में सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया, निरीक्षण का पूरा ब्यौरा रखा एवं F3 का जनरेशन का 3 का अध्ययन किया। ठीक है, डी ऑप्शन से। 62, जीन म्यूटेशन उत्पन्न करता है? तो याद रखना, डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से, डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। होवो डी वायरस ने 1901 में म्यूटेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होता है, जीवों में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 63, अम्ल वर्षा होती है? तो याद रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल से, अम्ल वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल SO2 के कारण होती है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हास गैस कहा जाता है। भोज पत्ते किससे मिलता है? तो याद रखना, बेटोला की छाल से। 65 क्वेश्चन नंबर, लंबे रेशे कहलाते हैं? तो याद रखना, लिंट, बी ऑप्शन सही है। 66 क्वेश्चन, सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है? तो याद रखना, एसिटिक अम्ल।
सिरका का खट्टापन एसिटिक अम्ल के कारण होता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध फटता है। यह अम्ल मांसपेशियों में जमा हो जाता है तब व्यक्ति को थकान महसूस होती है। 67 क्वेश्चन नंबर, लाख की कीड़ी का पोषक पदार्थ है, तो याद रखना ब्रोटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। 68, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, तो याद रखना स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन की। एडवर्ड जेनर चेचक टीका की खोज की थी। 6 रोग हैजे की टीके की खोज रॉबर्ट कॉच ने की थी। एंटीजन है तो याद रखना एक प्रोटीन, यही ऑप्शन सही है। एंटीजन प्रोटीन के बने होते हैं। जब कोई बाहरी जीव किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वह परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से कुछ प्रोटीन यौगिक का उत्पादन करता है, उससे इसी प्रोटीन को एंटीजेंस कहते हैं। शरीर में एंटीजेंस के विरोध दूसरे प्रोटीन का निर्माण होता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। यह बीमारियों में रक्षा करता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। बात करते हैं 270 क्वेश्चन नंबर 70। संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों को XX तथा YY का लिंग निर्धारण का अनुपात है, तो याद रखना 1:1। संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों एवं स्त्रियों के XX तथा YY लिंग निर्धारण का अनुपात 1:1 है। अम्ल वर्षा होती है जब जल पर्यावरणीय विदूषक से सहयोग करते हैं, तो याद रखना SO2 और SO3। 72 क्वेश्चन नंबर, पीलिया का कारण है, तो याद रखना है वायरस। पीलिया वायरस से उत्पन्न होता है या गंदे पानी पीने से होता है। इस रोग में लीवर संक्रमित हो जाता है तथा कार्य करना बंद कर देता है। 73 क्वेश्चन नंबर, किसी जीव के लक्षण लिंग सहलग्न कहलाते हैं जब उसकी जीन का वाहक होता है, तो याद रखने नर या मादा का एक्स अथवा वाई गुणसूत्र। किसी जीव के लक्षण लिंग सहलग्न कहलाते हैं जब उसकी जीन का वाहक नर या मादा का एक्स अथवा वाई गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है 274। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो उनकी सब संतानें रंजकहीन होंगी, ठीक, बी ऑप्शन सही। 75, किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध हो सकती है, तो याद रखना यदि उसका पिता वर्णांध और माता वाह, ठीक। योस्ट ईस्ट है, तो याद रखना यूकेरियोटिक, ईस्ट यूकेरियोटिक होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण केंद्रक आवरण से घिरा केंद्रक पाया जाता है जिसमें DNA बाय हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसमें केवल DNA गुणसूत्र के रूप में कार्य करता है। एक कोशिकीय जीव वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, जैसे अमीबा यूग्लेना ETC। वैसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है वह कोशिकीय जीव कहलाते हैं, मैन डॉग मैंगो टाइगर, ठीक। 77 क्वेश्चन, सभी कवक सदैव होते हैं, तो याद रखना मितोपजीवी। बात करते हैं 78, कवकों में संचित भोज पदार्थ पर्याप्त होता है, तो याद रखना ग्लाइकोजीन या तेल में। 279 किसमें उत्पादन किसके उत्पादन में ईस्ट का उपयोग होता है, तो याद रखना एथाइल एल्कोहल। 80, RNA की संरचना में DNA उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है, तो याद रखना यूरेसिल। DNA की संरचना में DNA में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। DNA में नाइट्रोजीनस बेस दो प्रकार का होता है, फोरिन के अंतर्गत एडेनिन ग्वानिन, थाइमिडिन के अंतर्गत साइटोसिन एवं थाइमिन। बात करते हैं 81 क्वेश्चन, डेयरी के दूध तथा पादप पदार्थों का किण्वन करने वाले जीवाणु में, तो याद रखना हाइबेसिलस। बात करते हैं 82 क्वेश्चन, बोटुलिज्म क्या है, तो याद रखना ये ऑप्शन सही है, इसमें एक प्रकार का भोजन प्रदूषण जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु द्वारा होता है जो प्रोजोनोस
टॉक्सिन स्रावित करता है जिससे मृत्यु हो जाती है। ठीक। 83 क्वेश्चन, वायरस जो नील हरित शैवालों का परसंक्रमण करते हैं कहलाते हैं, तो याद रखना साइनोफाज वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं कहलाते हैं करता है। बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है। 84 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है, तो याद रखना माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। पृथ्वी पर सबसे पहला जीव है आर्ची बैक्टीरिया। ठीक। 85 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु है, तो याद रखना है आपको राइजोबियम। सहजीवी जीवाणु राइजोबियम है। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, जैसे बहन बगुला, राइजोबियम दाल का पौधा, कवक शैवाल, दोनों मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं या लिटमस पत्र बनाने में उपयोग होती है। क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी से टिटनस रोग होता है। यह रोग के जीवाणु जंग लगे लोहे एवं गोबर पर पाए जाते हैं। इस रोग को धनुष टंकार या लॉक जीव भी कहते हैं। 86 क्वेश्चन, साबूदाना किससे प्राप्त होता है, तो याद रखना साइकस से। साइकस से साबूदाना बनाया जाता है। साइकस को सागो प्लम भी कहते हैं। साइकस एक गेंगो बिलोवा लिविंग फैसल जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। वैसे पौधे जिनमें जड़ तना पत्ती फूल एवं फल बीज सभी पाए जाते हैं। इस पौधे में बीज फल के अंदर रहता है। अमृतजीवी अमृतजीवी कहलाते हैं। आम कटहल जामुन धान इत्यादि। 87 क्वेश्चन, कुनेन प्राप्त होती है, तो याद रखना कुनेन होती है सिनकोना से। बी ऑप्शन सही है। इसका उपयोग मलेरिया में होता है उपचार में। ठीक। 88 क्वेश्चन, अधिकांश ईंधन के रूप में प्रयुक्त हो पौधे प्राप्त होते हैं, तो याद रखना माइमोसोइडी। अधिकांश ईंधन के रूप में प्रयोग होने वाले पौधे मेमो रियल माइमोसी फीमेली के। बात गेमिनी कुल के अंतर्गत गेहूं मक्का गन्ना बांस घास जो इत्यादि पौधे आते हैं। मालवेसी कुल के अंतर्गत कपास गुड़हल भिंडी इत्यादि फूल आते हैं। क्रोसीफेरी के अंदर मूली सलजम सरसों फूलगोभी इत्यादि फूल पौधे आते हैं। रबर एकत्रित की जाती है। 89 क्वेश्चन, तो याद रखिए हीविया ब्राजीलेंसिस के तने पर टेपिंग करके रबर हीविया ब्राजीलेंसिस के तने पर टेपिंग करके प्राप्त किया जाता है। 90 क्वेश्चन, नामकरण की दुई नाम पद्धति के प्रस्तावक थे, तो याद रखना कार्ल लिनियस। नामकरण के दुई नाम पद्धति के प्रस्तावक कार्ल लिनियस थे। हुगो डी विर्ज का प्रतिपादन 1901 में किया गया। जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होता है। जीवों में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी 1628 में। पेनिसिलिन किसने खोजी थी, तो याद रखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। टीवी एवं हैजे की खोज रॉबर्ट कॉच ने की थी। 92 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से एक एंजाइम श्रावण ईस्ट द्वारा होता है जो किडवन के लिए उत्तरदायी होता है, वह है, तो याद रखना है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम का श्रावण ईस्ट द्वारा होता है जो किडवन के लिए उत्तरदायी होता है। 93 क्वेश्चन नंबर, सयुग्मन युग्मक पाया जाता है, तो याद रखना राइजोपस में। लाइकेन 94 क्वेश्चन है, लाइकेन बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं किसके लिए, तो याद रखना है बी ऑप्शन इसमें सही है। किसके लिए होते हैं, SO2 और CO के लिए। बी ऑप्शन 94 का सही है। SO2 CO के प्रति लाइकेन्स बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। 95 क्वेश्चन नंबर, बुद्धि भाग फल मानसिक आयु का किसमें अनुपात होता है, तो याद रखना है वास्तविक आयु से और 100 से गुणा करके। बुद्धि भाग फल मानसिक आयु का वास्तविक आयु से और 100 से गुणा करने के अनुपात प्राप्त होता है। 96 क्वेश्चन, सर्वप्रथम जेनेटिक कोड पाया जाता बताया, तो याद रखना डॉक्टर हरगोविंद खुराना। जेनेटिक कोड की खोज 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने की। इसके लिए उन्हें 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया। वन जीन वन एंजाइम का कॉन्सेप्ट बीडल तथा टेटम के द्वारा दिया गया। 97 क्वेश्चन नंबर, मनुष्य में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है, तो याद रखना पॉली जीन्स द्वारा। मनुष्य में
मनुष्यों में पॉलीजींस द्वारा त्वचा के रंग का निर्धारण होता है। मनुष्य के त्वचा के नीचे मेलानिन पिगमेंट पाई जाती है। यह पिगमेंट जिस व्यक्ति में जितना अधिक होगा वे काले होते हैं एवं जिसमें कम होगा वे गोरे होंगे। 98 क्वेश्चन नंबर, डीएनए की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो याद रखना वाइट वाटसन क्रिप को। वाटसन एवं क्रिप को 1962 में डीएनए की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। फ्लैड मोसिक मॉडल का प्रतिपाद जेकॉब एवं मोनार्ड ने किया था। 99 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल अगर अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, तो याद रखिए ग्रेसिलिया लेरिया। ग्रेसिलेरिया से अगर अगर का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 300, जेंथोफिल है तो याद रखना सी पीले रंग का। जेंथोफिल का रंग पीला होता है जिसका रासायनिक सूत्र है C40H55O2, C40H56O2 ठीक। क्लोरोफाइल ए इसमें C55H72O5O5N4Mg हरा रंग का होता है ठीक। क्लोरोफाइल बी तो इसका C55H70O6N4Mg होता है। कैरोटीन कैरोटीन का C40H56 रेड कलर होता है ठीक है याद रखना। चलिए तो इसमें हम लोग 300 तक खत्म कर चुके हैं, आगे से हम लोग 301 से आगे बात करेंगे।